ये बताओ भैया कि तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? रोज की तरह आकर के बैठ जाते हो, मेरा रोज यहाँ पे मेरा टाइम का नुकसान भी होता रहता है, तुम हुक्के के लिए यहाँ पे सारा दिन मेरा नुकसान करवा देते हो। आकर के बैठ गए, हुक्का जला दो, यहाँ पे बैठ करके फालतू की बातें करते रहते हो। अरे कुछ काम धंधे कर लो, यहाँ पे जिंदगी में काम धंधे भी बहुत काम आता है, हमारे पास हमारा नुकसान क्यों कराने आते हो? यहाँ मेरा टाइम तो जाता ही जाता है और इधर हुक्के का मटेरियल भी लेकर आता हूँ, तो पीने के लिए पता नहीं कैसे यहाँ पे आके बैठ जाते हो। ऐसा करो तुम लोग खरीद लो एक हुक्का अपने घर पे बैठ कर पियो, मेरा नुकसान। मोदी जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने तो तुम्हें बुलाया था तब तो मैं आया हूं यहां पे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारी इंसल्ट करा रहे हो, पहले तो बुलाते हो हुक्का पीने के लिए, फिर हमारा इंसल्ट करवा देते हो। अरे मैं तो बुलाने पे आया हूं, ये योगी बाबा पता नहीं बुलाने पे आए हैं कि नहीं आए हैं, ऐसा बोल रहे हो, लगता है कि मैं वैसे ही आ गया। ऐसे थोड़ी होता है, बुला करके यहां बेइज्जती मेरी कर रहे हो। अरे मैं नहीं आऊंगा, हुक्का मैं ले आऊंगा, मुझे हल्के में ले रखे हो क्या? यहां पे योगी करते हैं ये सब काम, मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता हूं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब मुझे कुछ भी बोल लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मोदी जी बोला तो बोला, अब मत बोलना। अरे लालू जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतना गुस्सा थोड़ी होता है, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। ऐसा करो, मैं इसलिए बोल रहा था कि घर वाले हमें रोज ताने सुनाते हैं, तुम लोग आकर के यहां पे बैठ जाते हो, फिर हम भी बैठ जाते हैं, हमारे कामों का और धंधा पानी का नुकसान होता रहता है, इसलिए मैं बोलना पड़ रहा है। इसलिए बोला था कि घर वाले सुनेंगे तो ये समझेंगे कि तुम लोग फालतू लोग हो, इसलिए मैं इसे बोल रहा था। अरे गुस्सा मत हो, हम अपना हुक्का पानी का व्यवस्था कहीं गांव के बाहर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं पियेंगे। यहाँ पीने से क्या होता है, हमारे घर वाले शाम को दो चार बातें अलग से सुना देते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। योगी जी तुम भी कान खोल के सुन लो, तुम्हें तो बुलाता भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी आ जाते हो, पता नहीं ऐसा क्यों। अरे मोदी चाचा तुम नहीं बुलाए तो क्या हुआ? कल बुलाए थे ना, कल बुलाए थे, आज मुझसे चले आए, ऐसे थोड़ी होता है। अरे यहाँ पे लालू जी आ रहे थे, लालू जी ने बोला चलो हुक्का पीने, तो मैं भी चल दिया। अरे ऐसे थोड़ी बोला जाता है कोई मेहमानों को। दोस्तों वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे लालू चच्चा कम से कम तुम 20 रुपए किराया वहां का पड़ता है, तुम 30 रुपए मांग रहे हो, इतने में तो हमारी बुरी हाल हो जाएगी। हम 5 लोग हैं, 100 रुपए देंगे, इससे ज्यादा हम देने वाले नहीं। देख लो जैसा करना वैसा सोच लो, इतने सारी सवारी तुम्हें मिल गई है सुबह सुबह, तुम्हारी बोनी बट्टा भी सही हो जाएगा, बाकी तुम अपने आप देख लो। अरे तुम टेंशन काहे ले रहे हो किराया खातिर? हम किराया कम ले लेंगे लेकिन एक शर्त माननी पड़ेगी तुमको, हम तुमसे कुछ सुनेंगे, पहाड़ा और EBCD सुनेंगे, उसमें से अगर तुम लोग सही सुनाते हो, जो सही सुनाएगा उसका किराया हम माफ कर देंगे, अगर नहीं सुना पाओगे तो किराया डबल देना पड़ेगा। मंजूर है तो बताओ मुझे फटाफट। अरे हम सुनाएंगे जो मर्जी हो पूछ लो लालू जी, जो सवाल पूछना है मर्जी ABCD पूछ लो, जो तुम्हारी मर्जी हो पूछ लो, हम सारे सवाल बताएंगे, पूछो क्या पूछ रहे हो पूछो। तो तुम लोग अपने कान खोल करके सवाल सुन लो, मैं सवाल पूछता हूं, जो 100 तक गिनती सुनाएगा उसका किराया माफ कर दिया जाएगा और जो नहीं सुना पाएगा वो तो डबल देना पड़ेगा किराया। अगर ठीक है 100 तक जो सुनाना चाहता है वो सुना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिर सुनो हमारी गिनती, मैं सुना रहा हूं, सुनो सब लोग, सही सही सुनाऊंगा बिल्कुल एकदम। 1, 2, 5, 18, 19, 100 सुना दिया मैंने गिनती, लो मेरा किराया माफ करो। अरे अखिलेश तुमने ये क्या गलत गलत सुना दिया, इतनी गलत गिनती कौन गिनता है यार, छोटे छोटे बच्चों को भी आती, लो तुम्हारा किराया डबल हो गया। ठीक है और कोई सुनाना चाहता तो सुना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे लालू साहब मैं सुनाता हूँ, मेरी गिनती एकदम करेक्ट निकलती है, सुनो 1, 2, 12, 530, 1045, 50, 100 हो गया मेरी गिनती, माफ करो मेरा किराया। अरे योगी जी तुमने तो बहुत कमाल की गिनती सुनाया है, 530 तक सुना डाला, तुम्हारा किराया माफ हो जाएगा और किसी का नहीं होगा। अभी मोदी जी सुना पाएंगे तो इनका भी माफ हो जाएगा, अगर ये नहीं सुना पाएंगे तो इनकी भी दिक्कत पड़ेगी। अरे लालू जी हमको तो गिनती ही नहीं आती तो हम क्या सुना दे, हमें तो आती ही नहीं, हम सुनाएंगे। दोस्तों वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। अरे बुलडोजर बाबा और अखिलेश कहाँ जा रहे हो साइकिल पे सामान लोड करके? अरे इधर से जंगल की तरफ से निकल रहे हो छुपके छुपके, अरे कहीं भागने का इरादा तो तुम्हारा नहीं है? हमारे रूम का भी किराया भी तुम पे बाकी रह रहा है, एक पे रह रहा 6,000, एक पे 12,000 बाकी रह रहा है। अरे किराया दे के जाना, कहीं भाग तो नहीं रहे हो, ये सामान वगैरह सब लोड करके रखे हो?
अरे नहीं मोदी चच्चा, मैंने कल ही इरादा कर दिया था रूम खाली करने का, जब तुमने बोला था कि तुम्हारे रूम के किराए 2,000 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। अभी मैंने देखा यहाँ पे एक गांव छोड़ करके दूसरे गांव में, वहाँ पे तो सेम रेट में मिल रहा है और 500 रुपये कम में मिल रहा है। हम तो नहीं लेने वाले तुम्हारे रूम, इतने महंगे रूम लेकर के हम क्या करेंगे। इतनी कमाई धमाई तो होती नहीं, दिहाड़ी तो रोज़ हो नहीं पाती है, तो इतना किराया हम कहाँ दे पाएंगे। हम रूम खाली कर देंगे, दूसरा रूम ले लेंगे। अगर किराया कम कर रहे हो तो बताओ, हम रह लेंगे, कोई बात नहीं। अभी इतना महंगा रूम में हम नहीं रह सकते, हमारी कंडीशन थोड़ा खराब चल रहा है अभी। अखिलेश भी तुम्हारे बहुत सारे नखड़े हो रहे हैं, मैंने 2,000 रुपये का किराया बढ़ाया, तूने रूम खाली करके चल दिए। अभी तो वहाँ पड़ोस में 12,500 रुपये महीने किराया लेती है वो, तो वहाँ पे तो सब रह लेते हैं। तुम्हारे बहुत नखरे हो रहे, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा करो योगी, तुम भी मेरे 12,000 रुपये दे के जाओ, और अखिलेश तुम 6,000 रुपये दे के तभी जाओगे, ऐसा नहीं जा रहे। अरे मोदी जी, हम थोड़ा दिहाड़ी वहाड़ी करके तुम्हारा किराया वापस दे देंगे। अगर रूम का किराया थोड़ा कम करो तो हम रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा हमारी दिहाड़ी पानी चल नहीं रही है सही से, इसलिए किराया में दिक्कत हो रही है। तुम्हारे 12,000 रुपये जो रह रहे हम वहाँ पे काम धंधे करके थोड़े थोड़े करके तुम्हें दे देंगे, कोई बात नहीं। अरे आज मुझे जाने दीजिए, इतना महंगे किराए में मैं नहीं रह सकता। देखो बुलडोजर बाबा और अखिलेश, तुम दोनों मेरे फालतू के समय बर्बाद मत करो, अभी मुझे रूम रेंट लेने जाना है। ऐसा करो मेरा रेंट दे दो और तुम जाओ। भाई लोग वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे अखिलेश भैया थोड़ा सही कायदे में चला लो, आगे आगे थोड़ा स्पीड में चलाओ। यहाँ पीछे हमारे राहुल भैया ने ठोंक दिया है रिक्शे में, तो हमारे पीठ में चोट लग गई है, बड़ा दर्द हो रहा है। ऐसा करो थोड़ा तेज स्पीड में चला लो। यहाँ पे लालू साहब के रिक्शे पे मैं बैठ गया हूँ, तो ये बूढ़े आदमी हैं, ये चला भी नहीं पा रहे हैं, और तुम रोंक रोंक करके चला रहे हो, अपनी गुंडापन दिखा रहे हो क्या। ऐसा करो थोड़ा स्पीड में चला लो, हमको लेट हो रहा है, कहीं जाना है। अखिलेश भैया थोड़ा जल्दी चला लो, हमें कहीं जाना। देखो बुलडोजर बाबा, हमारे रिक्शे पे तो तुम बैठे नहीं हो, तुम लालू के रिक्शे पे बैठे हो, तो लालू को जो कुछ बोलना है लालू को बोलो, हम तो आगे आगे ऐसे ऐसे चलेंगे, जो करना है तुम कर लो। और लालू जब नहीं चला पा रहे तो हमको कहे बोल रहे हो, इनको बोलो ना, हमको कहे बोलते हो। इधर मोदी साहब पीछे पीछे आ रहे हैं तो कुछ बोल नहीं रहे, और तुम बकवास करते रहते हो फर्जी की। ऐसा करो अगर तुम अपने लालू से बोलो किनारे से निकाल लें, हम तो ऐसे धीरे धीरे चलेंगे, हमारी तो यह आदत है। अरे वैसे भी मैंने कल तो खाया पिया नहीं है, और सुबह सुबह तुम यहाँ पे लफड़े करवा दे रहे हो। यहाँ बेसी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो तो बैठे हुए हैं, वो तो कहते नहीं कि तेज चलो या धीमे चलो, फर्जी की बातें कर रहे हो। देखो अखिलेश भैया, हम तुम्हारी नौटंकी बहुत देर से देख रहे हैं, योगी चाचा बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं। तुम आगे आगे धीमे धीमे चल रहे हो, ये थोड़ी होता है, पीछे दो दो रिक्शे खड़े हैं, उनको भी देर हो रहा है ऑफिस जाना है, योगी जी को भी ऑफिस जाना है, हमको भी ऑफिस जाना है, हमें तो 5 मिनट लेट भी हो गया है, ऐसे थोड़ी होता है। अखिलेश बाबू थोड़ा जल्दी चलाओ, नहीं चलना है तो बताओ, हम कोई दूसरा रिक्शा करके हम चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। सही कह रहे हैं योगी बाबा, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। देखो अखिलेश चाचा, तुम ज्यादा नौटंकी दिखाओगे तो तुम्हें हम उतार देंगे। तुम भी योगी का पक्ष ले रहे हो, आगे वो तो बंदा बोल ही रहा है, तू हमारे रिक्शे पे बैठे हो, तुम्हें तो हमारे तरफ बोलना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि वो बंदा पीछे बुलडोजर बाबा बोल दिए तो तुम भी वही से ही बोल रहे हो, मतलब कुछ भी बोल रहे हो। तुमको उतार देंगे और 6 किलोमीटर पैदल जाओगे, तुम्हारी सारी अकल दुरुस्त हो जाएगी। दोस्तों वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।